इंडियन वॉइस ऑफ इंडिया ओल्ड वर्जन से न्यू वर्जन तक सो वीडियो में बहुत ज्यादा मजा है। लेकिन भाई उससे पहले सभी ने सब्सक्राइब कर दिया लेकिन एक बंदे ने सब्सक्राइब नहीं किया भाई, नीचे दुख भाई तुमने नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर दो भाई। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ये है हमारे इंडियन वॉइस ऑफ इंडिया का सबसे पहला वर्जन और इसके अंदर हमें ये बाइक देखने को मिल जाती है जिसको हम ड्राइव भी कर सकते हैं। तो मैंने नोटिस किया ही नहीं कि अभी के टाइम पे कैरेक्टर चेंज हो चुका है और ये देखो ये कैरेक्टर पहले कैसा था भाई। पहले के टाइम पे तो मिशन भी देखने को मिलता था और ये मैंने प्ले के ऊपर क्लिक कर दिया और भाई देख सकते हो इधर मेगा रैम आ चुका है और अभी के टाइम पे ऐसे मिशन हमें देखने को नहीं मिलते। और भाई मैंने भी इसके पहले लेवल भी कंप्लीट कर ली और ये मैंने दूसरे लेवल भी कंप्लीट कर ली और ये तीसरे लेवल कंप्लीट। अरे नहीं यार मैं तो नीचे गिर गया। लेकिन इसकी सिटी देखो भाई कितनी ज्यादा बड़ी है, हम इस गेम के बाहर जा सकते कि नहीं भाई वो भी देख लेते भाई। यहाँ पे देखता हूँ मैं ग्लिच ट्राई करता हूँ। अबे नहीं ये क्या हो गया, अबे मैं तो वॉइड के अंदर गिर रहा हूँ। वेट सेकंड भाई, अबे भाई मेरी बाइक तो पूरी इनविजिबल हो चुकी है भाई। मैं बाइक चला पा रहा हूँ लेकिन बाइक के अंदर कैरेक्टर नहीं है भाई। ये तो मस्त ग्लिच है भाई इस गेम के अंदर। मतलब भाई सबसे पहले वर्जन के अंदर भी इतने सारे ग्लिच थे भाई, कितना ज्यादा मजा आ रहा है भाई इसी गाड़ी को चलाने के लिए। और इसकी सिटी देखो भाई कितनी ज्यादा बड़ी है। बाकी इस वर्जन के अंदर ज्यादा कुछ नहीं है, तो बढ़ते हमारे नेक्स्ट वर्जन की तरफ। तो ये हमारा वर्जन 5 और इसके अंदर बहुत सारा कुछ कुछ ऐड हो चुका था। देख सकते हो इसके अंदर हाउस भी ऐड हो चुका है और ये हाउस बहुत ही ज्यादा बड़ा है भाई। इतना ही नहीं इसके अंदर कार्स भी ऐड हो चुके जो की एमपीसी चलाते है। इसके अंदर हमें 2 गन्स भी देखने को मिल जाती है, 1 पिस्तौल देखने को मिल जाती है जो की मस्त चल रही है और 1 AK-47 देखने को मिल जाती है जो की वो भी मस्त चल रही है। इसके अंदर फोन भी ऐड चुका था और इसके अंदर चीट कोड भी बहुत सारे ऐड हो चुके हैं। और ये हेलीकॉप्टर देखो भाई कितना ज्यादा पुराना है, मुझे लगा भाई अभी ऐड हुआ ही है। तो भाई इस गेम को भी एक बार एंड करने की कोशिश करते हैं, इसके मैप के बाहर जाके देखते हैं क्या होता है। ये मैंने लैंड कर लिया और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्या होता है भाई देखते है। अभी भाई मेरे पैर नीचे कैसे चले गए और भाई पूरा कैरेक्टर नीचे जा रहा है और भाई ये क्या ही ग्लिच है भाई। और मैं मैप से पूरा बाहर आ चुका हूँ। चलो इधर एक KTM स्पॉन करते हैं और देखते भाई। तो भाई मैंने KTM को स्पॉन कर लिया और जल्दी से इसके ऊपर बैठते और देखते भाई नीचे घूमते एक बार कैसा लग रहा है भाई। मैं तो पूरे हवा के अंदर बाइक चला रहा हूँ भाई, एकदम मस्त है भाई ये ग्लिच तो। लेकिन देखते भाई कितनी देर तक ये चलती है, मुझे तो नहीं लगता बहुत देर तक चलने वाली है। तो भाई मैंने बोला था ना भाई ज्यादा देर नहीं चलेगी भाई, नीचे नीचे जाने लगी और इस वर्जन के अंदर ज्यादा कुछ नहीं है। सो बढ़ते हमारे नेक्स्ट वर्जन की तरफ। ओके सो हमारे नेक्स्ट वर्जन के अंदर हम आ चुके हैं। इसके अंदर बहुत ज्यादा बड़ा घर ऐड हो चुका है जो कि अभी के टाइम पे इंडियन बाइक 730 के अंदर भी हमें देखने को मिलता है। और इतना ही नहीं भाई इसके अंदर कलर का ऑप्शन भी आ चुका है और मुझे कपड़े का ऑप्शन नहीं दिख रहा है भाई, वो आया नहीं क्या भाई अभी तक। और इसके अंदर बहुत सारे चीट कोड्स भी ऐड हो चुके हैं, मतलब गेम बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका था। और इसके अंदर चलने वाले लोग भी आ चुके हैं और न्यू गन्स भी आ चुके हैं जैसे कि मिसाइल। देखो इसको मार के दिखाता हूं, ये देखो भाई खत्म। देखो भाई इसके अंदर स्नाइपर भी आ चुकी है, बाकी गन का तो मैंने आपको बता ही दिया। और इतना ही नहीं इधर एक एयरपोर्ट भी ऐड हो चुका है, उसके अंदर एक छोटा प्लेन भी, वो भी उड़ा के देखते भाई कैसे उड़ता है। और भाई ये प्लेन तो एकदम मस्त उड़ा है और नीचे मेरा घर भी दिख रहा है आपको और मस्त व्यू दिख रहा है भाई सिटी का। और भाई देख सकते हो इधर एक ट्रेन स्टेशन भी था जो कि अभी तक ऐड नहीं हुआ है और अभी तक जुरासिक पार्क भी ऐड नहीं हुआ है भाई। देखो कितनी खाली खाली जमीन दिख रही है भाई, यहाँ पे हमारा ट्रेन और जुरासिक पार्क ऐड हुआ है। सो भाई मैं आ चुका हूं एकदम लेटेस्ट वर्जन के अंदर जो हम खेलते हैं अभी। इसके अंदर कितने सारे मोड देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि मेगा रैम जिसके अंदर बहुत ज्यादा मजा आता है, इधर से हम कार को उड़ा सकते हैं बहुत ज्यादा मजा आता है इसमें भी। भाई फन ट्रैक जिसके अंदर हम ट्रेन के साथ बहुत सारे बम्प को उड़ा सकते हैं और भाई इस गेम के अंदर ट्रेन भी ऐड हो गई थी। और भाई देख सकते हो इस मोड के अंदर कितना ज्यादा मजा आ रहा है भाई। इतना ही नहीं जुरासिक पार्क भी ऐड हो चुका है और देख सकते हो वो सामने डायनासोर है जिसने अभी तक मुझे नहीं देखा। और भाई अभी तो देख लिया यार, जल्दी से मैं मिसाइल निकाल लेता हूँ और इसके ऊपर टारगेट करता हूँ और ये मैंने छोड़ दी। अब भाई इसको तो कुछ नहीं हुआ और ये एक और छोड़ दी, भाई इसको तो कुछ नहीं होता और ये मैं आउट हो गया यार। इसके अंदर जो घर ये तो पुराना है लेकिन उसका कलर चेंज करके येलो कलर कर दिया है और इसके अंदर एक नया घर भी ऐड हो चुका है। अंदर से कुछ इस टाइप से दिखता है और बहुत ज्यादा मस्त है। इसके अंदर 2 रूम है, रूम के अंदर तो कुछ नहीं लेकिन इस रूम के अंदर हमें टीवी देखने को मिल जाता है, पीसी देखने को मिल जाता है, बाकी ये भी मस्त घर है। इस वाले अपडेट के अंदर बहुत सारे नए नए चीट कोड भी आए थे जैसे कि आर्मी टैंक का चीट कोड और ये डायनासोर का चीट कोड। इस डायनासोर के ऊपर हम बैठ भी सकते हैं और इसको राइड भी कर सकते हैं और किसी को भी मार भी सकते हैं, जिसको इसको मार दिया और इसको भी मार दिया भाई। मतलब कि भाई पूरा गेम चेंज हो चुका है जो कि पहले वर्जन में कुछ इस टाइप से दिखता था और अभी के वर्जन में कुछ इस टाइप से दिखता है। सो आपको सबसे ज्यादा कौन सा वर्जन पसंद है मुझे कमेंट बताना, बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ किसी ऐसे मस्त वीडियो के अंदर, तब तक के लिए।